सभी के सामने आज अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस के दिन मैं अपनी ही लिखी हुई एक कविता आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। मेरा नाम है नेहा गोले और ये है मेरी कविता कि आप सभी को बचपन में गणित ने बहुत उलझाया होगा। आप सभी को बचपन में गणित ने बहुत उलझाया होगा और उलझे हुए सवालों को पाई से सुलझाया होगा। लेकिन क्या कभी पाई को समझने का प्रयास किया है? क्या कभी पाई को समझने का प्रयास किया है? इस विचित्र संख्या पर क्या कभी विचार मंथन किया है? ऐसा खास क्या है इस पाई में? ऐसा खास क्या है इस पाई में और 14 मार्च में जो विश्व पाई दिवस उत्सव चल रहा संसार में? इसे चर यानी वेरिएबल, इसे चर कह दूं या अचर कह दूं? अचर यानी कांस्टेंट। तो इसे चर कह दूं या अचर कह दूं, परिमेय या अपरिमेय कह दूं? परिमेय का मतलब होता है रेशनल और अपरिमेय का मतलब होता है इरेशनल। तो इसे चर कहूं या अचर कह दूं, इसे परिमेय कहूं या अपरिमेय कह दूं, या सिर्फ पाई हर आकृति को सुलझाती है या सिर्फ व्रत का ही किस्सा बताती है? व्रत यानी सर्कल। आखिर क्या है ये पाई जो कभी खुद को 22/7 का अस्तित्व बताती है तो कभी संख्या 3 को बिंदी लगाकर अनंत ब्रह्मांड तक जोड़ी चली जाती है? That is 3.14159 and goes up to the infinity। तो 22/7 को कभी खुद का अस्तित्व बताती है तो कभी संख्या 3 को एक बिंदी पहनाकर अनंत ब्रह्मांड तक जोड़ी चली जाती है। आज इस रहस्य से थोड़ा पर्दा उठाती हूँ, आज इस रहस्य से थोड़ा पर्दा उठाती हूँ, पाई की बुद्धि को थोड़ा सा सुलझाती हूँ। सिर्फ व्रत के ही इर्द गिर्द घूमता है पाई, चर नहीं है, अचर है पाई। भले ही 22/7 एक परिमेय संख्या है, भले ही 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन असल में पाई अपरिमेय है भाई। 3.1459... पाईस बटे सात का परिणाम नहीं, 3.14159 जो कि अनंत तक चला जाता है, ये संख्या 22/7 का परिणाम नहीं, किसी व्रत की परिधि और व्यास का अनुपात है पाई। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो मर्जी कर लो, व्रत की नपाई संख्या हमेशा 3.1459 अनंत तक यही चली आई। गणितज्ञ थे बहुत हैरान, गणितज्ञ थे बहुत हैरान और परेशान। तब आर्किमिडीज ने लगभग सही कैलकुलेशन दिखाई। जब गणितज्ञ थे बहुत हैरान और परेशान, तब आर्किमिडीज ने लगभग सही कैलकुलेशन दिखाई। जब परिधि को माना 22 और व्यास को 7, लगभग मिला पाई, जब किया इनका अनुपात। जब भी व्रत किसी सामान से बनाने की कोशिश की जाती है, जब भी व्रत को किसी सामान से बनाने की कोशिश की जाती है, यह कोशिश परिधि संख्या 22 और व्यास के 7 से ही मुमकिन हो पाती है। 3.14159 अनंत तक और 22/7 यानी कि 3.142857 में सिर्फ 3.14 की ही समानता है, इसीलिए पाई का मानजक 3.14 को मानता है। आज का दिन भी कुछ यही दिखाता है, आज का दिन भी कुछ यही दिखाता है, महीना 3 को और तारीख 14 को दर्शाता है, इसीलिए आज का दिन हुआ पाई। आशा है कि अब आपको मेरी बात समझ में आई। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।